हिफ्ज़ा, आपको ये बताएं कि तब्दीली तब्दीली के नारे की बात करते हैं, एक बड़ी जबरदस्त तब्दीली की खबर आपको बताएं। जी बिल्कुल। फयाज़ुल हसन चौहान का अदाकारा नरगिस को हाजी बनाने और मेगा को 300 रोजे रखवाने का चैलेंज, बोले एक माह में सकाफत को गलाजत से पाक कर दूंगा। अब सिनेमा घरों के बाहर अखलाक से गिरी तस्वीर आवेजा नहीं होंगी। फयाज़ुल हसन चौहान ना पैसे कमाने आया हुआ है, ना नोट कमाने आया हुआ है, नाम कमाने आया है। नाम ये मसला है, नाम कमाना है। और वो टीवी चैनल्स में जो मुझे पिछले 7 साल से सुनता चला आ रहा है, उसको पता है कि फयाज़ चौहान वो बात कहने की भी जरूरत रखता है जो किसी और की जरूरत नहीं होती टीवी चैनल्स में। पाकिस्तान की खातिर, इस्लाम की खातिर, सोसाइटी की खातिर, माशरे की खातिर, नामूस रसालत की खातिर, खत्म नबूवत की खातिर हिस्ट्री है, ठीक है ना? तो नाम कमाना है, काम नहीं कमाना। एक बात बिल्कुल जहन में बिठा लें, मैं मुशर्रफ दौर में भी 5 साल MPA रहा हूँ, आज भी मेरी बड़ी सादा सी जिंदगी है। अब भी यहाँ पे अल्लाह पाक ने मुझे वजीर बनाया, तो इंशाल्लाह आपके लिए जो मुझे मिनिस्ट्री मिली है आपके लिए कुछ करूंगा, अपनी जात के लिए मैंने कुछ करनी। और ये बिल्कुल बात क्लियर कर ले, ये कुछ राजनीति सरकार वन सरकार टू के डायलॉग नहीं है। बिल्कुल सुन लें, जो पॉलिटिशियन आके जनाब बड़का मार रहा है तो पूछो जनाब पूरा सरकार होता है, ठीक है ना जी? वो नहीं है जो बात, ये तीनों के अंदर कंपेटिबिलिटी है, आइडेंटिकल है तीनों चीज, ठीक है ना जी? तो इंशाल्लाह आप सारी जितनी आपने अपने लिए कोई पॉजिटिव वे में जो कुछ गेन करना है, जो हमारी फाइनेंशियल डोमेन के अंदर होगा, इंशाल्लाह वो आपके लिए होगा, वो किसी और के लिए नहीं होगा।